हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू क्विक एंड इफेक्टिव वेज। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ में एक बैंगन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं जो बैंगन खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, तो आप उन्हें अगर इस तरह से बैंगन बना के खिलाएंगे तो डेफिनेटली वो भी इसे खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बैंगन टिक्का की रेसिपी। बैंगन टिक्का खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही क्विकली बन भी जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मीडियम साइज़ के बैंगन ले लेंगे। मैंने इन्हें वॉश करके रख लिया था। अब हमें इनके दोनों एंड्स को कट करना है। आप जब भी बैंगन खरीदते हैं तो हमेशा आप थोड़े जो सॉफ्ट वाले बैंगन होते हैं वो लिया करें। वो साफ होते हैं, उनके अंदर कभी भी कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा होता। अब एक एक करके हम सभी ब्रिंजल्स के एंड्स को कट कर देंगे। और ये मैंने सभी ब्रिंजल्स के दोनों एंड्स को कट कर लिए है। अब हम इन्हें सर्कुलर शेप में कट कर देंगे। हमें ये जो ब्रिंजल स्लाइसेस हैं इन्हें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। आप इन्हें लगभग हाफ इंच थिकनेस दे सकते हैं। और इसी तरह से हम सभी ब्रिंजल्स को कट कर लेंगे। ब्रिंजल्स को कट करने के बाद आप चाहें तो आप इन्हें कुछ देर वाटर में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके लिए स्पाइसेस का एक मिक्स रेडी करना है। तो कई बार बैंगन जो है वो थोड़े ब्लैक पड़ जाते हैं। तो अब हम बैंगन टिक्का के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में हम थोड़ा सॉल्ट ले लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पाउडर डाल दूंगी। आप चाहें तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर टर्मरिक पाउडर डालेंगे हम इसमें, और आप कितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला भी ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें लगभग एक बड़ा चम्मच बेसन भी ऐड करूंगी। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ इसमें थोड़ी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। आप अगर इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे लगभग 1-1.5 चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड कर लूँगी। और अब हम इन सभी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें कोई वाटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम जो बैंगन हमारे हैं उन्हें हम फ्राई करेंगे तो वो जो मॉइस्चर लूज़ करते हैं उससे ये सारा मसाला जो है वो उन पर स्टिक हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके अपने सभी ब्रिंजल स्लाइसेस को इस स्पाइसेस मिक्स में कोट कर लेंगे। आपको हो सकता है थोड़ा ड्राई लगे लगाते हुए, लेकिन जब हम इसे कुक करेंगे तो ये सारा मसाला जो है वो इन स्लाइसेस पे अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ऐसे एक एक करके हम सभी स्लाइसेस पे अच्छे से ये मसाला कोट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने सभी स्लाइसेस को मसाला में कोट कर दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन्हें फ्राई करने का। आप चाहें तो आप इसे किसी ओवन में या माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं, या आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे तवे पे बनाऊंगी। इसे मैं एक चम्मच तेल लगा के ग्रीस कर लूंगी जो भी तवा है, और उसके बाद में हम इस पे ब्रिंजल के स्लाइसेस को रख देंगे। हमें अपना फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम में ही रखना है, वरना जो ये स्लाइसेस हैं ये जल सकते हैं। एक एक करके मैं सभी स्लाइसेस को इस पे फैला दूंगी, और थोड़ा सा इसमें मैं ऊपर से ऑयल ड्रिजल करूंगी, और फिर हम इसे एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और एक मिनट के बाद में फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो बैंगन टिक्का है वो फ्राई हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर हम इसकी साइड्स को फ्लिप करेंगे। आप यहाँ पे ऑयल ड्रिजल करना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने तवा ग्रीस किया हुआ है। आप देखिए जैसे हमारे ब्रिंजल्स पक रहे हैं, मॉइस्चर लूज़ कर रहे हैं, तो जो मसाला है वो इनसे अच्छे से स्टिक हो चुका है।
अब लगभग एक मिनट हो गया है, तो मैं इसकी साइड्स फ्लिप करके देख रही हूँ। इसकी नीचे वाली साइड अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे लगभग एक मिनट के लिए, और कुछ ही मिनटों में हमारा जो बैंगन टिक्का है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। आप इसे साइड डिश के तौर पे भी मतलब एंजॉय कर सकते हैं, और आप इसे एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं या घर में कोई भी बैंगन नहीं खाता, आप इस तरह से उन्हें बना के देंगे तो डेफिनेटली ये उन्हें पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।